नमस्कार, मैं बाबा अनिल अनिल मजुमदार। कल मकर संक्रांति है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सूर्य का मकर राशि से कर्क, मकर रेखा से कर्क रेखा जब जाती है तो वो उत्तर नारायण कराता है। इसकी जो बहुत विशेषता ये है कि इसी दिन मकर संक्रांति को महाभारत में भीष्म पितामह, जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, घायल हो गए थे बुरी तरह से, उन्होंने अपने प्राण इसी मकर संक्रांति में छोड़े थे। 6 महीने तक वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। दूसरी बात यह है कि माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से पृथ्वी पर हुआ था। शंकर जी की जटाओं से निकली थी और वो वहाँ से निकल के पूरी कपिल मुनि के आश्रम तक जाकर उनके पूर्वजों को उद्धार किया था। इसके लिए इसीलिए गंगा स्नान का भी इसमें बहुत महत्व होता है, दान दक्षिणा का भी महत्व होता है। तो ये मकर संक्रांति जो है पूरे देश में मनाया जाता है। देश और काल के हिसाब से अलग अलग कहलाता है। जैसे कि जो है ये तमिलनाडु में होता पोंगल, जिसकी भी शुभकामनाएं आप लोगों को। राजस्थान और गुजरात में होता उत्तर नारायण। हरियाणा पंजाब में होता है माघी। अब पूर्वी भारत में भोगाली बिहू के नाम से भी इसे जानते हैं, है ना, समझे। तो ये पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है और इसमें स्नान दान किया जाता है, तिल के बने हुए वस्तुओं को खाया जाता है और खिचड़ी खाई जाती है। विशेषकर हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी का बहुत महत्व है। उड़द की दाल की खिचड़ी दान की जाती है और खाई भी जाती है, साथ साथ तिल के लड्डू आदि भी खाए जाते हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, इस बार की मकर संक्रांति जो है वज्र योग में पड़ रही है, जो कि बहुत ही शुभ होता है। और ख़ास तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये 14 जनवरी को सूर्य सुबह 8:30 बजे उत्तर नारायण होंगे, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे कल प्रातःकाल 8:30 बजे। आज जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ वो रौद्रा कात्यानी का साधना है। इसका विशेष महत्व होती है। माँ कात्यानी के बहुत सारे स्वरूप हैं, उनमें से कल मैं आपको चंड कात्यानी बता चुका हूँ, आज मैं रौद्रा कात्यानी बताने जा रहा हूँ। रौद्रा कात्यानी का मंत्र पहले आप सुन लीजिए। ओम रुद्र भयंकरी अट्ठासिनी साधक प्रिय महाविचित्र रूप करी स्वर्ण हस्ते यमानिकतन कृतानी सर्व दुख प्रशमनी। ओम 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 हुम 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 शीघ्रम सिद्धि में ही प्रक्ष ह्रौं अह स्वा। ओम रुद्र भयंकरी अट्ठासिनी साधक प्रिय महाविचित्र रूप करी सुवर्ण हस्ते यमा निकंतानी सर्व दुख प्रशमनीम। ओम 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 हुम 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 शीघ्र सिद्धि में ही प्रक्ष ह्रौं अह स्वाहा। फिर से एक बार पढ़ दूं भैया। ओम रुद्र भयंकरी अट्ठासिनी साधक प्रिय महाविचित्र रूप करी सुवर्ण हस्ते एमा नितकंतानी सर्व दुख प्रशमनीम। ओम 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 हुम 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 शीघ्रम सिद्धि में ही प्रक्षर ह्रौं अह स्वा। ये जो है क्या कहते हैं मंत्र जो है रौद्र कात्यानी का मंत्र है। माँ कात्यानी का एक स्वरूप है, मैं आपको पूरी सीरीज में दूंगा, इसको करीब 5-6 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। तो इसकी भी भाई वो पूजन विधि तो उसी तरह से है कि प्रातःकाल को उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब स्नान करेंगे तो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए स्नान करेंगे। कल मकर संक्रांति है तो सूर्य भगवान की पूजन आपको अति आवश्यक है, तो उनका पूजा करिएगा, स्नान ध्यान कीजिएगा,
आपके यदि गंगा के किनारे कहीं किसी शहर में रहते हो तो गंगा स्नान कर सकते हैं, अन्यथा घर में भी गंगा को स्मरण करके, माँ गंगा को स्मरण करके नहा सकते हैं। स्नान दान के मकर संक्रांति इसलिए करिएगा, और 8:30 बजे से कल लगेगा और शाम के 5:30 बजे तक है। इस बीच आप इस पूजन को शुरुआत कर सकते हैं, और ये माघी पूर्णिमा तक आपका चलेगा। इसलिए आप ख्याल रखिएगा कि कल से शुरू करेंगे और माघी पूर्णिमा तक इसको करते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप अवश्य करेंगे। तो मैं बतला चुका हूँ कि आप जो है लाल वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र पहन के अपने घर को, एक कमरे को खूब साफ़ सुथरा कर लीजिएगा। माँ का जो है क्या कहते हैं फ़ोटो लगा लीजिएगा। कात्यायनी माँ काली का एक रूप है, तो माँ काली का भी फ़ोटो लगा सकते हैं, या तो इंटरनेट से डाउनलोड करके आप माँ कात्यायनी की फ़ोटो लगा सकते हैं। पंचोपचार से पूजन होगा। सबसे पहले पंचदेव की पूजन कीजिएगा। हिंदू शास्त्र में पंचदेव हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान, सूर्य भगवान, शिव जी, फिर विष्णु भगवान, फिर आदिशक्ति माँ दुर्गा। ये पंच देव हैं, इनकी पूजा आपको करनी ज़रूरी होगी। सप्त मातृकाएँ होती हैं, उनकी पूजा कीजिएगा। उसके बाद जो है इन पूजन को कीजिएगा। इन सब के जो जितना भी बता चुके हैं सबकी पूजन पंचोपचार से होगा। उसके बाद माँ का विशेष पूजन आपका प्रारंभ होगा, रौद्रा कात्यायनी का मंत्र। उसके लिए आप जो है पूर्वाभिमुख होकर बैठ ही जाएंगे, दीपक जला लीजिएगा, अगरबत्ती जला लीजिएगा या धूप बत्ती जो भी आप पसंद करें। माँ को भोग चढ़ाने के लिए एक पूजा की थाली में माँ के लिए भोग, कच्चा पक्का जैसा भी हो भोग चढ़ाइएगा, और पुष्प लीजिएगा, लाल रंग के अक्षत लीजिएगा, लाल रंग के ही वस्त्र पहनिएगा, लाल रंग का फटका सर के ऊपर बांध लीजिएगा, और लाल ही आसन हो कंबल का तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब करने के बाद पूजन थाली सजा लीजिएगा, कपूर लौंग भी रख लीजिएगा, देसी घी का दीपक जलेगा, अन्यथा नहीं हो पाए तो सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। पूर्वाभिमुख होकर बैठ के आपको रुद्राक्ष की माला से 20 माला जाप करनी है। उसको आप 4 भागों में बांट सकते हैं, प्रातःकाल, मध्यान्ह, गोधूलि की बेला और रात्रि। तो 5-5 माला यदि 4 बार करेंगे तब भी 20 माला हो जाएगी। और इसको कल से प्रारंभ करिएगा। करने के बाद आपको माघी पूर्णिमा को इसको जो है समाप्त करना होगा, रौद्रा कात्यायनी का मंत्र। तो एक बार फिर से मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, इसको आप जो है अच्छी तरह से सुन के और इसको कहीं लिख लीजिएगा, खूब अच्छी तरह से रट लीजिएगा वो। ओम रुद्र भयंकरी अट्टहासिनी साधक प्रिय महाविचित्र रूप करी स्वर्ण हस्ते इमान कंतानी सर्व दुख प्रशमनी। ओम 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 हुम 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 शीघ्रम सिद्धि में ही प्रक्ष ह्रौंग अह स्वा। ये रुद्र कात्यायनी का मंत्र है, इसको आप करिए। करने के बाद जो है क्या कहते हैं आपको आसाती सफलता मिलेगी, सभी कार्यों में सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी मनोकामनाएं आप लोग को पूर्ण हो, इस आशा के साथ मैं इस वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ, मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।